सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के अभी 7 बज चुके हैं। आज हम लोग उठे 5:30 बजे, क्योंकि 8 बजे हमारा वहाँ रिपोर्टिंग टाइम है जहाँ भी जा रहे हैं, आगे आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट हम लोग नीचे चाय या कॉफ़ी लेते हैं एंड फिर मेट्रो या फिर ऑटो पकड़ते हैं। थैंक यू। सुबह की कॉफ़ी क्यों ज़रूरी है? सुबह की कॉफ़ी आपको एक किक देती है, अगर थोड़ी सी भी नींद बाकी है तो वो नींद में से आपको जगा देती है एंड आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। सो चीयर्स टू द कॉफ़ी। हमारा जो ऑटो आ चुका है एंड यहाँ से हमको ट्रैवल करना होगा 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर तक एंड उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे। मैं और भाई पहुंच गए हैं होटल हॉलीडे इन में एंड यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी का प्रोग्राम होने वाला है, जिसको अटेंड करने के लिए हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली अभी वो डेट फाइनलाइज हो गया एंड यहाँ पे 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा जिसको हम अटेंड करेंगे एंड जो भी यहाँ पे बहुत सारी बातें सीखेंगे उसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है एंड उसके बाद सारा जो प्रोग्राम है स्टार्ट होगा। फाइनली एंट्री पास मिल चुका है एंड ये पूरा प्रोग्राम का डिटेल्स है। यहाँ पे 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा जिसको हम अटेंड करने वाले हैं एंड यहाँ पे क्या क्या होगा उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट अंदर जाने का टाइम हो चुका है, विल मीट यू बैक सून। हमारा जो आज का प्रोग्राम है बिंद्रा सर का यहाँ पे पूरा इसी होटल में चल रहा है। तो अभी हम लोग आए एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, बाहर आए थोड़ा चाय कॉफी लेने के बाद फिर से जो हमारा प्रोग्राम है शुरू होगा एंड कुछ देर बाद जो विवेक ओबेरॉय बॉलीवुड एक्टर है वो भी ज्वाइन करने वाले हैं एंड उनका जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू बिजनेस वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है एक्सपीरियंस उसके बारे में बातें बाद में करेंगे। तो फटाफट अभी अंदर चलता हूँ एंड आज का प्रोग्राम अटेंड कर लेता हूँ पहले। Winning awards after awards, while also achieving massive commercial success. One of the only actors to have received phenomenal success across all genres in Bollywood, Vivek is also the only actor to have blockbuster success in every one of the 4 Southern language films. From the past 17 years, Vivek has been the ambassador for Cancer Patients Aid Association, helping over 250,000 underprivileged children fight against cancer. Forbes named him as one of the top 40 philanthropists in the world for the social impact he has created with Project Devi. Under Devi, that is, Development and Empowerment of Vrindavan Girls Initiative, Vivek has rescued thousands of girls from child prostitution and forced labor, empowering them with education, nutrition and healthcare absolutely free. His journey in philanthropic work started when Vivek donated his entire earning of rupees 3 lakhs from his first film, Company. Here's for you, Vivek Anand Oberoi, the star, the entrepreneur, the philanthropist. तो बस आप थोड़ी सी सांसें थाम कर बैठिए क्योंकि जस्ता इंतजार आपको इतनी देर से
बसों पर आने वाला है। कॉलेज टाइम में ही स्टार्ट इज ओन बिजनेस लाइक आई हैव शेयर्ड इनके बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में पब्लिकली आई लाइक टू ऑलवेज से आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बॉलीवुड वो राइट ब्रेन से अच्छे रहते हैं क्रिएटिव होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं सब रहते हैं बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं पर साथ साथ लेफ्ट ब्रेन नंबर डेटा बिजनेस वो इंटेलिजेंस फाइनेंस को समझना ऐसा ये बहुत रेयर स्टोरी रेयर है। वीओ की ये क्वालिटी पब्लिकली सब लोग को इतना नहीं मालूम है पर वीओ सर आज आपको बताएंगे कुछ चीजें गेम चेंज होंगी और एक छोटा Q&A राउंड भी मैं आई रिक्वेस्ट यू टू टेक विद देम बहुत मजा आने वाला। आई यू एक्साइटेड गाइस? यस सर। लेट्स गो नॉलेज। यस सर। मेरे को अभी भी चलते चलते चार एडवाइस और दिया वेट लूज कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो थोड़ा ऐसे करना और ये वाला विटामिन ऐसे लेना ये ऐसा करना है। वी आर वेरी एवर ग्रेटफुल टू यू विवेक सर ऑलवेज दिल से हम आपके आभारी हमेशा। आप में मुझ में हम में जो भारतीय डीएनए है ये डीएनए में ही बिजनेस है ये डीएनए में ही धंधा है ये डीएनए में भी हम कहीं से भी कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं। मैं तुर्की गया था शूटिंग करने के लिए इस्तांबुल में वहां के म्यूजियम में था और मैं शॉक हो गया क्योंकि मेरा जो गाइड था वो कहने लगा आपको एक चीज दिखाते हैं आप इंडिया से आए चलिए तो उसने सारे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए मुझे समझ में नहीं आया और नीचे जो सिग्नेचर थे डॉक्यूमेंट के अरबी डॉक्यूमेंट थे अरबिक में लिखे हुए थे नीचे जो लिखे हुए थे सिग्नेचर्स वो हिंदी में थे देवनागरी में। मैंने कहा ये क्या बात हुई भैया तो उन्होंने कहा जितने तुर्क ऑटोमान एम्पायर जो बना उसकी फंडिंग आई थी इंडिया से। लड़े नहीं लेकिन बोला भैया ठीक है ये परसेंटेज हमारा तो ये हमारे खून में अब से नहीं सदियों से आप दुनिया की कोई कम्युनिटी भी नहीं। ओके तो गाइस अभी हम लोगों का इंटरेक्शन था द बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ एंड बहुत ही मतलब अच्छा लगा। हम मूवीज़ में जब एक्टर्स को देखते हैं मतलब एज ए एक्टर देखते हैं लेकिन यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों ने इंटरेक्ट किया एंड बहुत सारा मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वो सारी बातें मतलब सुनने को मिली एंड रियली क्या कहूँ डाउन टू अर्थ पर्सन था एंड आज का सेशन जो भी था बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड मतलब यहाँ आने का ऐसा मुझे वर्थ लग रहा है क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं यहाँ सीख रहा हूँ वो कहीं और मैं सीख नहीं पाता अगर यहाँ नहीं आता तो। सो बस यही कहना था। हम लोग दो दिन से दिल्ली में लेकिन बहुत धूप थी और आज सडनली अभी बारिश शुरू हो गया है एंड थोड़ा अच्छा लग रहा है मतलब भीगने का मन कर रहा है बट अंदर जाना भी है तो फटाफट भाग से। मतलब शुरुआत है कल और बहुत कुछ सीखना है।